फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्सी की रेसिपी। और आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। और मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगी किस तरह भूरा बनाया जाता है, किस तरह बेसन भूना जाता है, पूरा एक एक स्टेप बताऊंगी। बिगनर्स भी अच्छी तरह बना लेंगे। सो आइए चलते हैं हमारे किचन, बनाते हैं बेसन लड्डू। और फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। भूरा ये तगार बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक बोल चीनी ली है और इसे आई कढ़ाई में डाल देते हैं। और आप मोटे ही तले की कढ़ाई लें फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत अच्छा बनता है ये तगार। और कम से कम एक बोल चीनी ली थी और उससे थोड़ा सा कम लगभग हमें इसमें पानी डाल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बेसन के लड्डू बना रही हूँ तो उसके लिए ये मुझे तगार बनाना है। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मुझे तगार या भूरा बनाना बताएं। सो आप वीडियो में देख ही रहेंगे मैं बना रही हूँ। और इसे धीरे धीरे चीनी को मेल्ट कर रही हूँ मैं फ्रेंड्स। और फ्लेम एकदम मीडियम रखना है, ना हाई रखना है ना स्लो रखना है। और इसे मिक्स करते हुए चलाते हुए हमें चीनी को मेल्ट करना है फ्रेंड्स। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और ये देखिए 2 मिनट से ये खोल भी रही है। और इस स्टेज में डालते हैं हम थोड़ा सा देसी घी, 1 चम्मच, जिससे हम दाल चावल खाते हैं बस इतना डालना है हमको देसी घी। और मिक्स कर लेना, मिक्स करते हुए हमको इसको पकाना है। धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा। मैं सारे स्टेप आपको बताऊंगी। ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स कि मैंने बॉल लिया तो आप बॉल ही लें। आप कटोरी, गिलास, कप, किसी भी चीज़ से चीनी को नाप लें और उसी कप से जिससे आपने चीनी नापी है उसी से आप वो पानी नाप लें। और पानी चीनी से थोड़ा कम होना चाहिए बस। और नहीं बस इसी तरह आप हिलाते हुए पकाते जाएं, धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा। 3-4 मिनट होंगे फ्रेंड्स हमको धीरे धीरे चलाते हुए हम पका रहे हैं इसको तवार को। और आइए इस स्टेज में डाल देते हैं थोड़ा सा रोज एसेंस, थोड़ा सा जिससे हम दाल चावल खाते हैं उससे 1/2 चम्मच इतना बस। और मिक्स करते हुए इसको पका रहे हैं। अब ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, बस 2 मिनट और लगेंगे इसको बनने में। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। 2 मिनट और रह गए, 2 मिनट और पकाते हैं और फिर हमारा भूरा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये डो बनने लगा है चीनी का। और इस स्टेज में ये अच्छी तरीके से इसको फटाफट चलाते हुए पकाएं, जिससे कि हमारी ये तले में ना लगे चीनी। और फटाफट चलाते हुए इसे पकाते जाएं। गैस को इस स्टेज में हम बंद कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसे फटाफट चलाते हुए पकाएं। और पकाते पकाते आपको खुद ही लगेगा कि ये भूरा बन के तैयार हो गया आपका। ये देखिए, ये हमारा भूरा तैयार हो गया फ्रेंड्स। और गुठलियाँ बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए फ्रेंड्स, इतना जल्दी जल्दी आपको चलाना है। और अगर गुठलियाँ पड़ गई हैं तो कोई इशू नहीं, आप किसी कटोरी या गिलास से तोड़ के उसे निकाल सकती हैं और एक मोटी छन्नी से छान के आप रख लें। आपका भूरा तैयार पूरी तरीके, और हमारा भी भूरा तैयार हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम वाइट बना हुआ है हमारा भूरा। ये देखिए, और आपको मैंने भूरा बनाना सिखाया इतना आसान तरीके से। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और आप अच्छी से भूरा बना लेंगे घर पर ही, बाज़ार से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा ये तैयार हो गया। अब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको छलनी से, मोटी छलनी से छान के रख लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, हमारा तगार बन के तैयार हो गया है। हमने वीडियो में आपको दिखाया था और ये कुछ इस तरह का होता है। और हमने आपको इसको मोटी छन्नी से छान के ले लिया है। छानना ज़रूरी है। बेसन को भी हमने 1 कटोरी लिया, इसको भी मैंने छान लिया है। और 1 कटोरी मैंने देसी घी लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बराबर मात्रा में लेना है फ्रेंड्स, यही इसका मेजरमेंट है। तभी आपके लड्डू भी परफेक्ट बनेंगे और मेरे भी। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे, इतना इसको मैं बचा ले रही हूँ। और घी को गर्म होने देते हैं थोड़ा सा, और बेसन को इसी में डाल के लो मीडियम पे
भूनना है फ्रेंड्स हमको इसको 8-10 मिनट अच्छे से। बेसन जब तक भुनेगा नहीं हमारे लड्डू सौंधी खुशबू नहीं आएगी, और बेसन भुन जाता है तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसे हमको भूनने में लगेंगे करीब 8 मिनट। मैं आपको इसको आधा भुन जाने के बाद दिखाऊंगी। अभी ये सूखा लग रहा है फ्रेंड्स, और धीरे धीरे जब भुनेगा तो अपने आप ही घी रिलीज करेगा। फ्रेंड्स थोड़ा सूखा लग रहा है, मैं थोड़ा घी और डालूंगी। समय समय पर घी डाल के हमको भूनना है, घी हमारा ही पूरा लग जाएगा। लेकिन थोड़ा डिपेंड करता है आपका बेसन कैसा है या मेरा बेसन कैसा है, ये तो पता चलेगा जब ये भुनेगा। यदि बेसन हमारा ज़्यादा घी सोखता है तो ज़्यादा लगेगा। और ये अब अच्छे से गीला हो चुका है, अब इसको हम मीडियम आंच में भूनेंगे धीरे धीरे। बेसन हमारा भून चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए, और कलर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, और सुंदर खुशबू आ रही है हमारी बेसन से, ये देखिए। और ये भून चुका है, और इसको आइए दानेदार बनाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये इतना घी बच भी गया है, और हमारा बेसन भी अच्छे से घी रिलीज कर दिया, ये देखिए अच्छे से घी है इसमें। और इसको कब यूज करना है हमें हम बाद में बताएंगे आपको, अभी हम आपको दानेदार इसको बनाते हैं। 1 चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं बस उतना पानी डालना है ये, और बस इस तरह घुमा घुमा के इसको दानेदार बनाना है हमको। ये हो गया हमारा दानेदार बेसन, और इसे ठंडा करने के लिए हम रख दे रहे हैं। हमारी कढ़ाई मोटे तले की फ्रेंड्स, इसीलिए हमको चलाना पड़ रहा जल्दी जल्दी। और आप भी मोटे ही कढ़ाई में बनाएं इसको, भूने बेसन को लो फ्लेम पे, तो अच्छे से भुनेगा। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं, जब ये छूने लायक हो जाएगा तब इसमें हम मिलाएंगे भूरा। फ्रेंड्स ये हमारा पूरी तरह तो नहीं ठंडा हुआ है, लेकिन ये छूने लायक हो गया है। और इस स्टेज में आइए मिलाते हैं हम ये अपना भूरा ये, और इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और इसी में मेरा ये इतना घी बचा हुआ था ये भी मिक्स कर लेते हैं हम, हमारे लड्डू खाने में शुद्ध देसी घी का टेस्ट आएगा तो और भी टेस्टी लगेंगे। और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, और आइए अपने हाथों का यूज करेंगे, बनाएंगे अपने बेसन के लड्डू। ये भी हल्का हल्का गर्म है, अगर आप फ्रेंड्स पीसी हुई चीनी मिला रहे हो तो ये पूरी तरह बेसन जब ठंडा हो जाए तभी आप इसको मिलाएं, नहीं चीनी पिघल जाएगी पीसी हुई और आपके लड्डू गीले गीले बनेंगे। ये देखें एक हमारा लड्डू बन के तैयार हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स एक और बना लेते हैं। एक ये हमारा और बन गया। अब ये अभी गर्म है, ठंडा होने पर ये थोड़े से और टाइट हो जाएंगे। अभी हमारा ये घी है पिघला हुआ इसीलिए गीला है, और इसी तरह बना लेते हैं, फिर मिलते हैं मैं आपको पूरे लड्डू बना के। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे बेसन लड्डू बनके तैयार हो गए, और हम आपको सर्व करके दिखाते हैं एक अच्छी सी प्लेट। लड्डू हमारे सर्व हो चुके हैं फ्रेंड्स, और आइए लगाते हैं थोड़ा सा चांदी वर्क। ये पूरी तरह ऑप्शनल है फ्रेंड्स, और यदि आपके पास है तो लगा दो, वरना ये तो ऐसे ही टेस्टी है खाने में, थोड़ा लुक देखने में अच्छा लगेगा बस, और कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स हमारे बेसन के लड्डू बनके तैयार हो गए, और ये बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। टेस्टी भी क्यों ना, हमने इसे देसी प्योर देसी घी से बनाया है फ्रेंड्स। और ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे बने हैं हमारे लड्डू। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।